और अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करें, मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज ने कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। नईम हनीफ हमारे साथ हैं, समझे जाने के। नईम, तारिक अजीज साहब इंतकाल कर गए हैं, क्या बताएंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, आज एक अहद का जो है वो इख्तिताम हुआ है और एक बहुत बड़ा बाप फनून लतीफा का वो बंद हुआ। तारिक अजीज जो है वो इंतकाल कर गए हैं और वो जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन के जो पायनीर थे उनमें उनका शुमार होता था और नीलाम घर के नाम से तवील अरसा उन्होंने जो है वो शो होस्ट किया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शाहिद ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है जी, आपने देखी कि तारिक अजीज साहब जो नीलामगर से जो है मशहूर हुए थे और सबके दिलों की धड़कन थी, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, बहुत ही आला शख्सियत थी। उन्होंने नीलामगर के अलावा जो है बहुत से फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था और अपने किरदार के जौहर दिखाए थे। और इसके अलावा फिर इन्होंने सियासत में भी अपना कदम रखा और कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। तो ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है कि तारिक अजीज साहब जो है आज वफात पा चुके हैं और वो हम में नहीं रहे। और बहुत से अदाकार, सियासतदान और पाकिस्तानी आवाम जो है बहुत सी इस सदमे से दो चार हो चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और शायद ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया।